हेलो फ्रेंड्स, आई एम आनंद राजपूत फ्रॉम चिप्टोनिक्स। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्बन रजिस्टर और उसका प्रैक्टिकल भी बताया था, इसी प्रकार से हम चिप रजिस्टेंस और एनटीसी के बारे में बताएंगे। तो हमारे वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें, बेल वाले बेल पर क्लिक करें, इससे आपका वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगा और अपडेट इंफॉर्मेशन आपके पास मिलती रहेगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। चिप रजिस्टर और समटाइमिंग एसएमटी। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल वन रजिस्टर, ब्लैक कलर रजिस्टर से फॉर एग्जाम्पल रेटेड 102। 102 मीन्स स्टार्टिंग डिजिट आर सेम, लास्ट डिजिट 2, दैट्स मी 20 ओम, दैट्स मी 1 किलो। समटाइम्स 472 मीन्स 47 एंड 2 इज 20 ओम, दैट मीन्स 4.7 किलो। समटाइम इज पुट इट इन 330, दैट मीन 33 लास्ट जीरो, नो 33। समटाइम इज पुट इट इन 4R7, 4R7 मीन्स R इज अ डेसिमल नंबर, दैट मीन्स 4.7। समटाइम पुट इट इन 0 और समटाइम इज 00, दैट्स मीन 0 ओम वी कॉल अ फ्यूजेबल रेजिस्टेंस। बट समटाइम्स अल्फा प्लस न्यूमेरिक होता है, जैसे कि आप देखें, जैसे यहां पर लिखा 01B। सो अकॉर्डिंग टू अल्फा न्यूमेरिक टेबल 01 वैल्यू और बी वैल्यू, 01 वैल्यू इज 10, बी इज 100 ओम, दैट मीन्स 1000 ओम 1 किलो। ये हमारा चिप रेजिस्टेंस था। और इसके बाद हम एनटीसी की बात करें। थर्मिस्टर टू टाइप्स के होते हैं, एनटीसी एंड पीटीसी। वी आर डिस्कस ऑन एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोऑफिशिएंट। एनटीसी इज अ ग्राफिक सिंबल दिस टाइप, से दिस टाइप, दैट्स अ ग्रीन एंड ब्लैक कलर, ग्रीन एंड ब्लैक। टेस्टिंग सो दी 2 ओम टू 20 ओम रेजिस्टेंस, बिटवीन 2 ओम टू 20 ओम रेजिस्टेंस एंड मोस्टली अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 ओम। दैट्स मीन ओके, अदरवाइज नॉट ओके। और इसकी वर्किंग्स में देखें, ये आपकी पावर सप्लाई के इनपुट्स में लगा होता है, पावर सप्लाई के इनपुट में लगा होता है। और ये क्या करता है, वैसे तो इसका रेजिस्टेंस लो होता है, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई इनपुट होती है तो रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हीट टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस लो होता जाएगा और करंट का फ्लो आगे होता जाएगा। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है कैसे आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका वर्किंग क्या है, कैसे करना है। और इसका प्रैक्टिकल जानने के लिए, मतलब हम चिप रेजिस्टेंस को कैसे चेक करेंगे, एनटीसी को कैसे चेक करेंगे, इसको देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें,
जिसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे टेस्ट करना है, मल्टीमीटर से कैसे करना है, प्रैक्टिकली चीजें बताई जाएंगी। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको कंटिन्यू अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।